हेलो दोस्तों, भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित और मैं आज आप लोगों को जिम में सर्विस जो सर्विस होते हैं उसके जो कैटलॉग होते हैं उसमें अप्रूव होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। काफ़ी टाइम्स आप जिम में सर्विस का जब कैट डालते हैं तो आपके अप्रूवल नहीं हो पाते। तो आज हम लोग उसके ही डिटेल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो बेसिकली जिम में जब आप सर्विस कोई भी डालते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनका अप्रूवल जेम का वो अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है और जेम में अप्रूवल किस तरीके से अप्रूवल करती है, क्या क्या चेक करते हैं, क्या क्या वेरीफाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको प्रॉपर वे से इनपुट डालना चाहिए जिससे आपका अप्रूवल फास्ट हो जाएगा। मैं आपको जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये मैक्सिमम 5 डेज के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। मैक्सिमम 5, हो सकता है कि सेम डे आपको अप्रूवल मिल जाए, जिस दिन आप डालो उसके सेम डे भी अप्रूवल मिल जाए। देखिए यहाँ पे दो पार्ट है, एक है एक्सपीरियंस प्लस सर्टिफिकेशन। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है और सर्टिफिकेट्स वगैरह की इसका रिक्वायरमेंट है जेम को सर्विस में तो अप्रूवल के लिए थोड़ा टाइम जाता है, जो उसके लिए आपको 1 डे टू 5 डे का मैक्सिमम टाइम लगेगा। यदि आपके पास एक्सपीरियंस और आप कोई सर्टिफिकेशन यहाँ पे अपलोड नहीं करते तो आपको सेम डे इनका जेम का अप्रूवल मिल जाता है। ये बाय डिफॉल्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। पर यदि आपका इनकेस प्रॉब्लम आ रहा है, यदि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस डालते हैं, वर्क ऑर्डर वगैरह वहाँ पे इनपुट करते हैं और कोई सर्टिफिकेशन डालते हैं तो आपको सर्विस में बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि आपका सर्विस का जो है कैटलॉग वो रिजेक्ट हो जाता है। तो उसके पीछे के रीजन्स को हम जानेंगे। देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या जेम वेरीफाई करती है। बेसिकली जो जेम वेरीफाई करती है वो कंपनी का नेम, ये QCI वेरीफाई करती है। QCI का रोल है, ये जेम जब भी आप अपलोड करते हो वो QCI के पास डेटा भेज देता है। तो QCI क्या क्या वेरीफाई करती है, कंपनी का नेम, मैंडेटरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, जो भी आप सर्टिफिकेशन अपलोड करते हैं वो उसकी वैलिडिटी, वर्क ऑर्डर वगैरह की जो भी होती है उसकी वैलिडिटी या सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, और स्टेट ऑफ विच लाइसेंस हैज बीन इशूड, कौन से स्टेट का वो लाइसेंस आपका इशूज किया गया है। तो किस किस बेस पे होती है, कंपनी का नाम बाय डिफॉल्ट आपका वेरीफाई हो जाता है। लाइसेंस जो आती है मैंडेटरी सर्टिफिकेशन, ये क्या क्या हो सकता है, जैसे कि FSI का लाइसेंस हो सकता है, ये फूड के लिए होता है। यदि आपको कोई भी फूड प्रोडक्ट चाहिए होता है जैसे कि कैटरिंग सर्विसेज, कैंटीन सर्विसेज, ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज और हेल्थ केयर किचन एंड डाइटरी सर्विसेज, ये यदि आप कोई भी सर्विस अपलोड करते हैं तो वहाँ पे फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो फूड लाइसेंस के लिए डिपार्टमेंट जो भी है QCI ये वाले वेबसाइट पे जाती है, यहाँ से आपको ये साइट पे जाके वो इसका वेरीफाई करती है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद वो वेरीफाई करती है, जिसके लिंक वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये वाला जो सीट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आप BIS सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, BIS की सर्टिफिकेट किन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज है उनके लिए BIS सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनको BIS सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो आप BIS सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो BIS की वेबसाइट पे जाके ये चेक करता है। ये छोड़ के आपका API जैसे कि पसारा, ये जनरली सिक्योरिटी, यदि आप सिक्योरिटी मैन पावर सर्विसेज, सिक्योरिटी मैन पावर सर्विस या हेल्थ केयर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको एक पसारा लाइसेंस की जरूरत होती है। तो वो आपको ये वेबसाइट से जाके वो वेरीफाई करते हैं, आप ये खुद भी जाके वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। ये सभी है। यदि आपके पास पेस्ट कंट्रोल है तो CIBRC ये है, ये सर्टिफिकेट है, इसकी जरूरत पड़ती है। ऑडिट के लिए यदि आपके पास क्लाउड रिलेटेड कोई भी सर्विसेज है तो आपको यहाँ पे वेबसाइट दिया है, यहाँ से वो वेरीफाई करता है, तो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। यदि ISO सर्टिफिकेशन है तो ISO की वेबसाइट पे जाके वो वेरीफाई करती है, तो ये आपका वेरीफाई होना चाहिए प्रॉपर। ये छोड़ के आपका एक्सपीरियंस, जैसे कि आप वहाँ पे एक्सपीरियंस डालते हो तो जब आप एक्सपीरियंस डालते हैं तो क्या क्या चीज़ होके निकलता है। देखिए एक्सपीरियंस डालते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको एक्सपीरियंस में कंपनी का जो भी आपका जिनको आपने सप्लाई किया है उनका पूरा डिटेल, जैसे गवर्नमेंट बॉडी को जो आप सप्लाई किए तो गवर्नमेंट बॉडी का पूरा डिटेल, उनका टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, उनका एज पर वर्क ऑर्डर जो आप अपलोड कर रहे हो या इनवॉइस को भी जो अपलोड कर, उसके अकॉर्डिंगली जो अमाउंट है, जो एक्सपीरियंस दिया हुआ है वही आपको अपलोड करना है प्रॉपर वे से। ये कहाँ से अपलोड करते हैं ये आप लोगों को जनरली पता है,
फिर भी यहाँ पे सर्विसेज में जाके आपको अपलोड करना पड़ता है और वहाँ पे इसके डिटेल्स आपको देखने को मिलता है। वर्क ऑर्डर नंबर, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट वैल्यू, ये सब प्रॉपर वे से जैसा कि आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे जैसा डाला हुआ है वैसा ही आपको अपलोड करना है। ये सब पहले वेरीफाई होता है, ये वेरीफाई जेम करती है। जब जेम को लगा कि ये वेरीफाई हो चुका है, ये प्रॉपर है, तो ये डिपार्टमेंट को नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिया जाता है, कॉल फोन नंबर दिया जाता है, तो उनका उनको ये जो डेटा है वो डिपार्टमेंट को मेल कर दिया जाता है सेम डे। जिस दिन आप अपलोड करेंगे उसी दिन आपको ये सभी डिटेल्स डिपार्टमेंट को मेल कर दिया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम डे। वो लोग उसका वेट करते हैं, यदि वो अप्रूवल नहीं देते सेम डे तो सेकेंड डे उनको रिमाइंडर मेल भेजा जाता है। ऐसा रेगुलर 4 डे तक किया जाता है, 4 दिन तक रिमाइंडर मेल भेजा जाता है और उनका रिप्लाई आने का वेट करते हैं। यदि रिप्लाई नहीं आया तो 5th डे में उनको कॉल किया जाता है और फिर भी कॉल पे उनका रिप्लाई नहीं आया तो आपका जो सर्विस है वो बाय डिफॉल्ट आपको अप्रूवल कर दिया जाता है। अदरवाइज उनका यदि कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है कि आपका ये सही नहीं है, डॉक्यूमेंट हमारे तरफ से दिया हुआ नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो आपका जो सर्विस का कैटलॉग है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन द सेंस आपको जो ध्यान देना है, जो प्रॉपर सर्टिफिकेशन अपलोड करेंगे, जो अपलोड आपको यदि रिक्वायरमेंट है, इफ रिक्वायर्ड नहीं है तो छोड़ दीजिए। वर्क ऑर्डर नंबर, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट वैल्यू, एज पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए और ईमेल आईडी जो रहेगा वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि उसको उसके बारे में पता हो और उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ों की यदि आपको प्रॉपर रहा तो आपका सर्विस का जो कैटलॉग है ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको अप्रूवल ना मिले। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।